अस्याम कक्षायाम सर्वेषां कृते सुस्वागतम च हार्दिक अभिनंदनम सुप्रभातम। आज हम लोग प्रश्न निर्माण करने के लिए किम शब्द रूप पर चर्चा करेंगे। किम शब्द रूप बोले क प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति क कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्या कस्मात् काभ्याम केभ्या कस्य कयो केषां कस्मिन् कयो केषु। ये विभक्तियां हैं प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। कर्ता का ये चिन्ह हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में पृथक अपादान से संबंध है षष्ठी। का के की संबंध कारक का चिन्ह हुआ में पर अधिकरण सप्तमी। ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ में और पर अधिकरण कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर इसमें संबोधन नहीं होता। तो प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे समझिए। उदाहरण हम लिख रहे हैं यहाँ पर यथा बालक गृहं बालका गृहं गच्छति, बालका गृहं गच्छति लड़का घर जाता है। यहां पर लाइन है क्वेश्चन बनाना है का बालक यहां पुल्लिंग हुआ आकारांत का यहां पर बनेगा का कह गृहं गच्छति, कह गृहं गच्छति कौन घर जाता है। एक वचन के लिए कह का प्रयोग किया गया। ये प्रश्नमान के लिए कौन दो बालकौ दिख रहे हैं आप बालकौ बालकौ गृहं गच्छता दो लड़के घर जाते हैं बालकौ। तो लाइन यहां है द्विवचन में आएगा कौ, यहां पर लिखेंगे कौ कौ गृहं गच्छता कौ गृहं गच्छता कौन दो घर जाते हैं। एक वचन का होगा द्विवचन में कौ के और कौ के बालका ना लिख रहे आप देखिए बालका गृहम बालका गृहं गच्छन्ति बालका गृहं गच्छन्ति बालका बालक एक वचने बालकौ द्विवचने बालका बहुवचने का कौ के ना हो जाएगा के गृहं गच्छन्ति कौन घर जाते हैं बालका गृहं गच्छन्ति। ये प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया गया। इस सबसे आप प्रश्न करेंगे कम कौकान केन काभ्याम कई कम से बेहतर आइए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे कम सह विद्यालयम सह विद्यालयम गच्छति वह विद्यालय जाता है विद्यालयम सह विद्यालयम गच्छति अंडरलाइन है आप विद्यालयम पर क्या बनेगा कम द्वितीय विभक्ति लिख सकते हैं आप कम अथवा पुत्र पुत्र का हुआ कहा कदा पुत्र कुतः किदृशा किदृशी किदृशम इससे भी प्रश्न निर्माण करते हैं। सह विद्यालय गच्छति वह विद्यालय जाता है सह पुत्र गच्छति अथवा सह कम गच्छति वह कहा ऐसे बनेगा कम कौ इन दोनों को कान इन सबों को शिक्षक उदाहरण लिख रहे हैं शिक्षक शिक्षक छात्रान पाठयति शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं छात्रान यहां द्वितीय व्यक्ति है यहां कान हो गया कान द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे कान केन इससे इन दोनों से इन
सबोसे केना सा कलमेना सा कलमेना लिखती सा कलमेना लिखती हुआ कलम से लिखता है लाइन है यहाँ पर कलम से इत्यादि होगी केना यहाँ के अर्थ का प्रयोग करेंगे किस से इत्यादि क्रिया करने में जो है सहायक हो वह करण कारक है कलम के द्वारा इसके द्वारा कलम के द्वारा कलमेन में यहाँ तृतीय व्यक्ति है केन किम शब्द रूप तृतीय व्यक्ति एक प्रथम का रूप हुआ केन केन में भी यहाँ तृतीय व्यक्ति हुई सह केन लिखती कलमेन लिखती काभ्याम दूसरा उदाहरण सह नेत्राभ्याम में लिखा यहाँ सह नेत्राभ्याम पश्यति सह नेत्राभ्याम पश्यति वह आंखों से देखता है येन काभ्याम यहाँ पर काभ्याम होगा काभ्याम यहाँ पर काभ्याम का प्रयोग करेंगे द्विवचन में येन काभ्याम कई बालह मित्रही मित्रही साकम वा साकम बालह मित्रही साकम गच्छति लड़का मित्रों के साथ जाता है केन का अभ्याम कई यहाँ पर हम कई का प्रयोग करेंगे मत मित्रही बहुवचन में है नाम लगा कई केन का अभ्याम कई कई का प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक के लिए इस तरह से बनाना है कस्मई का अभ्याम के व्य कस्मात का अभ्याम के व्य कस्य कयो केशाम कस्मिन कयो केशु निकाल लीजिए निकालना है कहाँ से कहाँ तो सूखा हुआ कपड़ा केन का अभ्याम कई कस्मई का अभ्याम के भ्या कस्मात का अभ्याम के भ्या कस्य कयो केशाम कस्मिन कयो केशु कस्मई चतुर्थी भक्ति जब कोई वस्तु किसी को दान के रूप में देते हैं वहां चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करेंगे संप्रदाने चतुर्थी उदाहरण इसका उदाहरण यथा चतुर्थी भक्ति का उदाहरण है राजा राजा ब्राह्मणायो राजा ब्राह्मणायो वस्त्राणि यच्छति राजा ब्राह्मणायो वस्त्राणि यच्छति राजा ब्राह्मण को कपड़े देते हैं अंडरलाइन है यहाँ पर ब्राह्मणायो चतुर्थी व्यक्ति एकवचन का रूप हुआ यहाँ बनेगा कस्मै कस्मई वस्त्राणी अच्छे यहां आएगा ऑनलाइन किमके कानी नपुंसक लिंग में होगा कस्मई यहां हो गया कानी कानी यहां ऑनलाइन आता है यहां हो गया क एक वचन में क
का कस्मै कानि इत्यादि। कस्मात काभ्याम के जह कस्मात देखिए अलगाव का तुम्हें पंचीभक्ति का प्रयोग करते हैं। वृक्षात पत्राणी पतंती वृक्षात पत्राणी पतंती वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात में यहाँ पंचीभक्ति हुई वृक्षात अलगाव कर्त में पंचीभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्षात पत्राणी पतंती वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यहाँ हुआ कस्मात। कस्मात का प्रयोग करेंगे कस्मात हुआ वृक्षाभ्याम 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 पत्राणी पतंती वृक्षाभ्याम पत्राणी पतंती दो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं यहाँ हो गया कस्मात काभ्याम। द्विवचन में यहाँ पर रहेगा काभ्याम बहुवचन में रहेगा वृक्षेभ्यः 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 फलानि वृक्षेभ्यः फलानि पतंती बहुवचन में पंचविभक्ति का रूप हुआ है केभ्यः केभ्यः यहाँ पर रहेगा केभ्यः फलानि पतंती इस तरह से बना है प्रश्न मान सब समझ करके ऐसे बनाते समरूप आप याद रखिए पुलिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक में प्रथमा और द्वितीय का एक ही रूप होता है। किम के कानी पुलिंग में हुआ कौकव के ममकव का केन का व्याम कई इत्यादि। स्त्रीलिंग में का के का काम के का कया का व्याम का भी कसे का व्याम का भी इत्यादि। कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्य कयोः केषां कस्य का किसका किन दोनों का और किन सबों का यहां लिख रहे हैं षष्ठी भक्ति का यथा लक्ष्मण रामस्य भ्राता लक्ष्मण रामस्य भ्राता आसीत क्या होगा आसीत लक्ष्मण रामस्य भ्राता आसीत कस्य अंडरलाइन यहां है षष्ठी भक्ति एक वचन है। लक्ष्मण रामस्य भ्राता आसीत लक्ष्मण राम के भाई थे रामस्य क्वेश्चन बनाना होगा क्या होगा कस्य कयो किन दोनों के किन सबों के इत्यादि। कस्मिन सबसे भक्ति कस्मिन कयो केसु छात्रान छात्राः विद्यालये छात्राः विद्यालये पठन्ति यहाँ लिख रहे हैं छात्राः विद्यालये पठन्ति छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। कस्मिन कस्मिन का प्रयोग कीजिए अथवा कुत्र यहाँ हो गया कुत्र पुत्र का अथवा का कस्मिन अथवा कुत्र छात्राः विद्यालये पठन्ति छात्रा कुत्र पठन्ति विद्यालये विद्यालय पठन्ति इत्यादि। अब कदा कदा का अथवा कब ये भी प्रश्न सूचक है इसे प्रश्न बनाते हैं। जैसे मोहनः मोहनः प्रातः प्रातः काल
के मोहना प्रातः काले धावती, मोहना प्रातः काले, मोहना प्रातः, मोहना प्रातः काले धावती, धावती बनाए गए प्रातः काले सुबह में, मोहन कब दौड़ता है सुबह में, यहां हुआ इसे बनाएंगे प्रश्नवाचक हो गया कदा, कदा का हुआ कब, कदा जिस कब, पुत्र का हुआ कब, त्वम त्वम आपणम गच्छसि, त्वम आपणम गच्छसि कहां जाते हो, यहां हो गया पुत्र, पुत्र तुम कहां जाते हो, पुत्र का प्रयोग करें, तुम कहां जाते हो, पुत्र किसका, उतर उतर अकस्मात पांच पंची व्यक्ति है और अकस्मात में भी पंची व्यक्ति है, किदृशा किदृशी किदृशम का प्रयोग स्वभाव अथवा गुण बताने के लिए किया जाता है, ठीक है हेलो, किदृशा किदृशी किदृशम का प्रयोग स्वभाव अथवा गुण बतलाने के लिए किया जाता है, किदृशा ऐसा ऐसा बाला चपला अस्ति, चपला चपला का अर्थ चंचल, चपला किदृशा क्वेश्चन बनेगा किदृशा, किदृशा स्वभाव को जहां बतलाएगा वहां पर हम किदृशा का प्रयोग करेंगे, ऐसा ऐसा बाला, ऐसा बाला चपला अस्ति, चपला स्त्रीलिंग चपला, चपला में टाप प्रत्यय है, ऐसा बाला चपला अस्ति, स्वभाव को जहां बतलाएगा वहां पर हम किदृशा किदृशी किदृशम का प्रयोग करेंगे, किदृशा पुलिंगे प्रयुक्त, किदृशी स्त्रीलिंगे प्रयुक्त, किदृशम नपुंसक लिंगे, किदृशा का रूप बालक पर चलेगा, किदृशी का रूप नदी पर चलेगा और किदृशम का रूप फल पर चलेगा, फल पर किदृशम किदृशे किदृशानी फल फले फलानी फल फले फलानी किदृशी किदृशम किदृशा नदी नद्य नद्या किदृशा किदृशो किदृशा, चपला बालका किदृशा बालका, किदृशी किदृशी बालिका, किदृशी बालिका चपला बालिका, चंचला बालिका इत्यादि बहुत उदाहरण, ऐसा बाला चपला अस्ति, चपल जो टाप के टाप पड़ते हैं टाप और नीम पड़ते अपड़े हैं, ऐसा बाला चपला अस्ति या बालिका चतुर है चंचल है, किदृशम एतत् एतत् फलम, एतत् एतत् फलम मधुरम, एतत् फलम मधुरम, मधुरम अस्ति, एतत् फलम मधुरम अस्ति, मधुरम किदृशम मधुरम नपुंसकलिंगे प्रयुक्तम, फलम नपुंसकलिंगे प्रयुक्तम, एतत् नपुंसकलिंगे, ऐसा स्त्रीलिंगे ऐसा पुल्लिंगे, ऐसा पुल्लिंगे प्रयुक्त, ऐसा स्त्रीलिंगे प्रयुक्त, एतत् नपुंसकलिंगे प्रयुक्त, एतत् फलम मधुरम अस्ति यह फल मीठा है, एतत् फलम मधुरम अस्ति, फलम एक वचने इत्थं मधुरम एक वचने एवं भविष्यति, मधुरम मधुरे मधुराणी, द्वे फले मधुरे अस्त, द्वे फले किदृशे किदृशे अस्त, द्वे फले मधुरे अस्त, तानि फलानि मधुराणि सन्ति, तानि फलानि किदृशानि सन्ति, तानि फलानि मधुराणि सन्ति, बहुवचनान्ते मधुराणि 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 बहुवचनान्ते तक पुसक लेंगे, यहां हो गया किदृशानि किदृशानि, स्वभाव गुण जहां बतलाएगा वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, किदृशा फल पुलिंगे प्रयुक्त, किदृशी स्त्रीलिंगे प्रयुक्त, किदृशा नपुंसक लिंगे प्रयुक्त, किदृशा बालका बालको बालका बालकवत, किदृशी नदीवत नदी नद्यो नद्या, किदृशी किदृश्य किदृश्य किदृशम किदृशे किदृशानी फल फले फलानी फल इत्यादि, स्वभाव गुण जहां बतलाता है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, जहां पर देखिए बदलाव क्या हो जाएगा, आप ऐसे ही प्रश्न निर्माण करेंगे, आप किम शब्द क्या कीजिए, पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक, नपुंसक में पक्षमा और द्वितीय व्यक्ति दोनों एक ही होता है, किम के कानी शेष पुलिंग पर ही चलता है और